हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप अपने पैर को कैसे शेव कर सकते हैं घर पर यस ग्लाइड से। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको घर पर पेनलेस वैक्सिंग करा सकता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम लोगों के पास पार्लर नहीं जाने का टाइम है, अभी सारे पार्लर्स बंद भी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पर आप शेव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है और हेल्पफुल है, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं, ये वीनस ग्लाइड है जिससे कि मैं शेव करने वाली हूँ अपने पैरों को और आपको बताऊंगी कि आपको शेव कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको हम पानी में अच्छे तरीके से गीला कर लेंगे, लाइक दिस वे डिप करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये शेव बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है हमारा रेजर। अब हमको क्या करना है कि अपने पैरों पर हम अच्छे तरीके से सोप लगा लेंगे या कोई सा भी आप बॉडी वॉश यूज करते हैं तो बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BLCC का बॉडी वॉश यूज करने वाली हूँ तो मैं अच्छे तरीके से इसको लगा लूंगी। तरीके से हमने ले लिया बॉडी वॉश और अच्छे तरीके से इसको रब करना है हमें, लाइक दिस वे। और अब हम अच्छे तरीके से रेजर की हेल्प से इसको ग्लाइड कर देंगे, नीचे से ऊपर करना है, इसमें कट होने का कोई भी टेंशन नहीं है, तो इसको हमको नीचे से ऊपर करना है। ये देखिए हमारे जो बाल हैं वो टूट करके इसमें आ रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको नीचे से ऐसे लेना है बाल को और आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अच्छे तरीके से अपने दोनों पैर को वैक्स कर लेंगे। फ्रेंड इस तरीके से हमने अपने पैरों को बिल्कुल अच्छे तरीके से शेव कर रखा है और अभी हमारे पैर पे बिल्कुल सोप लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेंगे। बेसिकली आपको ये नहाते वक्त करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपका बॉडी भी क्लीन हो जाए और आप इसी तरीके से ऑल बॉडी वैक्सिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ उसको पानी से वॉश करके। फ्रेंड्स इस पॉइंट पे आपको अपने पूरे पैर को जहाँ पे आपने शेव किया है उसको अच्छे तरीके से आप पोंछ लेना है। अब मैंने पानी से इसको वॉश कर लिया तो इसको मैं पोंछ लेती हूँ। आपको इसमें मॉइस्चराइजर कोई सा भी अप्लाई करना है जो आप यूज करते हो, बट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ वैसलीन। ये सन प्रोटेक्शन है तो मेरे स्किन को भी बचाएगा डार्क होने से और पैर मेरे बहुत ही सॉफ्ट दिखने लगेंगे, तो मैं वैसलीन अप्लाई कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे पैर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं और बिल्कुल लग नहीं रहा है कि मैंने घर पर इसको शेव करा है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हो कि आपके पैर बिल्कुल सॉफ्ट लगे, बिल्कुल अच्छे लगे, तो आप भी जिलेट वीनस से घर पर शेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।